बफल गांव में अल्प सुबह ही करीब 5:30 बजे मुखबिर की सूचना पर 7 दोपहिया वाहन से करीब 14 लोगों द्वारा सागौन की लकड़ी की बड़ी बड़ी सिल्लियां बागौद क्षेत्र के जंगल से चोरी कर बागौद के रास्ते महेश्वर रोड तरफ ले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इस सूचना पर बड़वा थाने से कैलाश चंद्र दांगी अपनी पुलिस टीम के साथ बफल गांव स्थित नहर के फाटक के पास व रतनपुर फाटक के पास टीम ने घेराबंदी कर दी, जिसमें कुछ देर बाद में 7 दोपहिया वाहनों पर लकड़ी सिल्लियां लेकर कुछ लोगों को देखा गया, जिनके द्वारा प्रत्येक वाहन पर 3-3 सागौन की सिल्लियां बंधी रखी थीं, जिन्हें उप पुलिस निरीक्षक कैलाश दांगी की टीम ने पीछे से घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया। तभी बफल गांव पंचायत भवन के पास बाइक पर बैठे लोगों द्वारा टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया गया, जिसके पश्चात पुलिस टीम ने एकत्र होकर खेतों के रास्तों पर आरोपी गणों की तलाश करने का प्रयास किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 दोपहिया वाहन एवं 12 सागौन की लकड़ी की सिल्लियां जब्त की हैं। आरोपी गणों की तलाश जारी है। ये आज सुबह करीब 4-5 बजे मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि बागौद तरफ से करीब 7 मोटरसाइकिल में जो लकड़ी के तस्कर हैं, सागौन की लकड़ी के तस्कर, वो सागौन की बड़ी बड़ी सिल्लियां लेकर के निकलने वाले हैं। तो सूचना मिलने पर उनकी घेराबंदी की गई थी ग्राम बफल गांव के आसपास। तो बफल गांव से जो नहर वाला जो रोड है उस पर वो 7 मोटरसाइकिलें जो हैं उनका आमना सामना पुलिस से हुआ था। तो 7ों मोटरसाइकिल जो सवार हैं वो उन्होंने भागने की कोशिश की। 4 मोटरसाइकिलें और कुल 12 सिल्लियां सागौन की, करीब 7-8 फिट लंबी सिल्लियां हैं वो, कुल कीमत करीब 80,000 रुपये है, 12 सिल्लियां जब्त हुई हैं। 4 मोटरसाइकिलें छोड़ कर के भाग गए हैं जो तस्कर हैं, लकड़ी तस्कर। 4 मोटरसाइकिलें और एक मोबाइल कुल्हाड़ी और 12 सिल्लियां जब्त कर ली हैं। और जो फरार हो गए हैं आरोपी उनकी तलाश पुलिस कर रही है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वन अधिनियम और मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया थाने पर।